देखा सचमुच से वो बैठ करके भजन कर रही थी और राजा विवेश बजा कर गया था और उनको द्वारा चुगली करवाना चाहता था राजा का। उसने बोले माता जी तुमने सुना है हमें क्या है और वो राजा क्या कर रहा है पता है कि नहीं। इतने में वो बड़ी जोर से चिल्ला उठा ले राजा मैं अपना भक्ति की प्रभाव से मेरे को सब कुछ बात पता है। वो संत जब तेरे घर में आए थे तुमने उनको घोड़े का लीड दिया था ना वो जो एक टोकरी बच गई ना वहां पर अभी तेरे को ही खाना पड़ेगा हाँ तेरे को ही खाना पड़ेगा। मैं इसकी निंदा चुगली में कभी इसकी करते नहीं मैं किसकी निंदा चुगली नहीं करती हूँ तेरे को खाना पड़ेगा। फिर राजा को एक टोकर जो लीक बच गया था ना उसको मैं खाना यहाँ पर कह रहे हैं कहते भगवान को कौन पा सकता है बोले वही पा सकता है जो किसी की कभी चुगली चिंता नहीं करता है और हर समय भगवान की जो भजन करते वृंदावन राष्ट्र कहते हैं साधारण लोगों को निंदा करने पर इतना कर दो साधारण लोगों को लेकिन अगर कोई साधु संतों की निंदा करे मैं साधु संतों की निंदा करूँ है तो उससे करोड़ों साधारण लोगों का निंदा करने पर जितने पाप है उससे करोड़ों ज्यादा पाप है अगर कोई साधु को अगर कोई निंदा करेगा तो बड़ा खतरा है साधु का निंदा करेगा। भले साधु का निंदा तो ऊपर इसका बड़ी खतरा अगर मन में भी कर लोगे ना वो भी बड़ी खतरा है। इसलिए गुरु जी कथा सुनाते थे एक समय श्री सनातन श्री श्री सनातन रूप गोस्वामी बैठ करके भजन कर रहे थे। भजन करते करते भगवान की एक सुंदर लीला राधा रानी रोज फूल चढ़ के करने के लिए आता है। कृष्ण को पता है राधा रानी यहीं पर आ रही है वो कृष्ण पहले आ गए पर पेड़ पर चढ़ गए चढ़ कर के राधा रानी रोज रोज पास में जो फूल को उसको तो चाहिए करती है लेकिन जो ऊपर का फूल वैसे कृष्ण ने चरण से वो जो मोटा टहनिया थी ना उसको नीचे दबा करने लगे। अब राधा रानी ने देखा अरे पास में इतने सारे फूल है राधा रानी ऐसे पकड़े और उससे एक एक फूल को चयन करने लगे लेकिन कृष्ण तो प्यार से दबा करके रखे थे इतने छोड़ दिया तो पूरा राधा रानी लटक गया एकदम ऊपर में उठाने के लिए। इतने में राधा रानी चिल्ला उठी मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ। वो भी उन्होंने देखा भैया टहनी अपने आप कैसे ऊपर उछल जाएगा ऐसे किसी ने क्या देखा कृष्ण कृष्ण पत्ते का हाथ में बैठ गए मुस्कुरा गए। फिर कृष्ण नीचे आए और राधा रानी को फिर उन्होंने उतारा। ठीक इसी समय में कुलको गोस्वामी की लीला को स्मरण हो रहा था एक साधु थे जो लंगड़े लुड़े खंजर की शरण उसी समय उधर से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा वो तुमको पता नहीं वो लीला देख करके हैं वो हंस रहे थे उनको पता नहीं। इतने में उसने क्या सोचा सियात में जो लंगड़ा लुड़ा है ना ये मेरे को देख करके ये हंस रहे बोले इतने बड़े साधु होकर के मेरे प्यार का लंगड़ा लुड़ा देख करके ये हंस रहे हैं। साधु लोग शरीर की चीज तो नहीं देखते आत्मा को दर्शन करते हैं सभी के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान बैठे वो चीज को देखते हैं। इतने में थोड़े से नाराज हो गए और उनके हृदय में रूप गोस्वामी के हृदय में जो लीला स्फूर्ति हो रही तो लीला बंद हो गया था। अब तो उन्होंने छटपट छटपट करने लगे सनातन गोस्वामी के पास में गए बड़े भाई के पास में ऐसे ऐसे में लीला स्मरण हो रहा था हृदय से ये लीला अंतर ध्यान हो गई पता नहीं क्यों हो गई। तो उनको पता है कहीं अगर वैष्णव निंदा गुरु निंदा अगर कहीं पर हो तभी ये हृदय भगवत भक्ति से खत्म हो जाता है केवल ये सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए उन्होंने बोले एक काम करो तुम सारे वैष्णव को निमंत्रण सबको पास पास में जाओ सब लोग स्वीकार करेंगे जो स्वीकार नहीं करेगा पता चलेगा वही यहीं पर अपराध सबके सब स्वीकार किए लेकिन जब खंजर कृष्णदास के पास में गए बोले आप इतने बड़े महात्मा हम तो लगड़े बड़े आपका हास्यास्पद आया
हंसी की बात रहे, कहाँ आपकी सभा में मैं जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, समझ गए भैया कांटा ही बढ़ गया। मुझे याद आया उसी समय जो मैं लीलास वर्ग कर रहा था वो उधर से गुजर गए, इसलिए शायद हैं गुजर रहे थे, इसलिए वो शायद मैं जो हंस रहा था इसको देख करके सोचा शायद मैं उनको देख कर हंस रहा हूँ। फिर उन्होंने अपनी चरण में माफी मांगी, बोले ए आपको देख करके मैं नहीं हंसा, प्रभु की लीला को देख कर तो मैं हंस रहा था, हैं आप मेरे अपराध को माफ कर दो। फिर उनको भी पता चला मैंने भी अपराध किया, उनको पता चला मैंने भी अपराध किया, फिर दोनों के चरण में गिर करके माफी मांगी। बड़े हृदय में वो लीला दो बार उसको यहाँ पर सीख्या देते हैं। अगर मानस के रूप में अगर गुरु जी का प्रति अगर वैष्णव का प्रति तुम्हारी अनादर हो गया फिर हृदय तुम्हारी सुखा हो जाएगा, हृदय तुम्हें सरसता नहीं रहेगी, भजन करनी हैं तुम्हारी कोई भजन की प्रति को नष्ट हो जाती है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि जो भक्ति करते करते जो वैष्णव नीता जो गुरु अवज्ञा ये बड़ी खतरा चीज है, ये चीज से हमें बचनी चाहिए। अगर बच सकते तो है तुम्हारी भक्ति लता बीज क्या होगा तो धीरे 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 बढ़ेगा। पहले तो एक अंकुर निकलेगा हैं, एक अंकुर को बाद में फिर दो पत्ता निकलेगी, उसमें दो पत्ता निकलेगी, फिर उसको बाद में धीरे 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 वो लता बढ़ते रहे। लेकिन लता बढ़ेगी कब, वो तभी बढ़ेगी अगर श्रवण कीर्तन रूपी जल अगर उसमें सिंचन करोगे, अगर उसमें जल सिंचन नहीं करोगे ना फिर तो लता जहाँ दिखा है वो बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। इसका मतलब क्या है, जब हम भक्तों का संग करते रहेंगे, शुद्ध भक्तों से हरि कथा सुनते रहेंगे, फिर क्या होगा, हरि कथा सुनते 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 हमारी भावना धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे हमारी भक्ति की भावना बढ़ती रहेगी। वो माली तो यहीं पर बैठ करके क्या कर रहा है, पानी दे रहा है, मतलब भजन कर रहा है, यही पर भजन कर रहे हैं, यही पर हरिनाम कर रहे हैं, यही पर श्रवण कर रहे हैं, यही पर भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं। लेकिन वो जो लता है ना वो धीरे 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 बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, पहले ये ब्रह्मांड को ही भेद करता है, बोले ब्रह्मांड को भेद करता है मतलब क्या है, कहते हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है कौन सा मंत्र, गोपाल मंत्र दिया, और कौन सा नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें ये मंत्र ये नाम है, बोले भैया ये मंत्र का अधिष्ठात्री देवता कौन है, जैसे हरे मतलब श्रीमद राधा है, कृष्णा मतलब कृष्ण, हरे मतलब श्री राधा रानी, राम मतलब राधा जी को साथ में जो रमण करते हैं, कहाँ बोले निकुंज में जहाँ पर श्री जुगल सरकार निकुंज में जहाँ पर लीला करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र है ये, राधा कृष्ण की निकुंज लीला है, बोलो वृंदावन में जब श्री राधा को निकुंज लीला करते हैं ये मंत्र है, ये हरे कृष्ण महामंत्र की है। और हमें जो गोपाल जो मंत्र मिला है जिसमें गोपी जन बल्लभा सुहाना आता है, इसलिए गोपियों का जो बल्लभ है इसलिए कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, मतलब हमें गोपियाँ जैसे भाव हमें प्राप्त हो। हम ये मंत्र जब करते हैं अभी धीरे 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 लता मतलब हमारी भाव है, धीरे 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 हमारी भाव बढ़ते 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 कहाँ तक जाती है, पहले ये ब्रह्मांड को भेद करते हैं, इसको भेद करती है ब्रह्मांड को, बोले ये ब्रह्मांड को भेद करती है मतलब क्या, बोले मतलब है जैसे भूर भूव स्व हाँ भूर उव स्व मह जन तप और सत्य लोग, कहते इसको धीरे 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 पार करेगा मतलब क्या है, कहते ये जो लता है मतलब हमारी जो भावना है, लता कहीं का आश्रय लेती है ना, कहीं आश्रय लेती है, लेकिन इसकी ये ब्रह्मांड में इसका कोई आश्रय का कोई स्थान है नहीं, मतलब इसकी जो भाव है ना इसके ऊपर भी इसका भाव है, इसलिए वो भावना बढ़ते बढ़ते पहले ये ब्रह्मांड को पार कर लेता है, पार करके फिर
फिर बिरजा एक नदी आती है, बिरजा मतलब होता है जहाँ सत्व रज और तम, ये जो तीन गुण है जहाँ पर है, तो पहले ये तीन गुण से ऊपर उठना पड़ेगा। ये जो बोला हरि ही निर्गुण साक्षात भगवान, ये तीन गुण से भगवान अति, भक्ति के तीन गुण से भक्ति अतीत है। इसलिए कहते पहले ये ब्रह्मांड में भेद करेगा, फिर इसको भेद करके फिर कहाँ जाएगा, पहले वैकुंठ जाएगा, वो वैकुंठ जाएगा। लेकिन हम लोग जो मंत्र जप कर रहे हैं वो वैकुंठ को पाने के लिए नहीं है, किसको पाने के लिए, बोलो तो वृंदावन से राधा रानी की कृष्ण की चरण की सेवा के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। इसलिए जब वैकुंठ तक पहुँचेगा बोले वहाँ पर भी कोई आश्रय के स्थान, मतलब हमारी भक्ति इससे ऊपर है। बोले वैकुंठ में क्या रस है, बोले वहाँ पर तीन रस है, एक है शांत और एक दास्य और एक है सत्य, थोड़ी सी सत्यता है। इसलिए रस कितने तरह का है, पांच तरह का है। भगवान को कहते रस का 12 तरह का है, 7 गौण रस और 5 मुख्य रस है। समझ रहे हो चीज को, 7 जो साधारण रस है, लेकिन जो भगवान की जो भक्ति करते हुए वो 5 रस मुख्य रस में जरा भगवान की भक्ति होती है। कोई शांत रस से भक्ति करते हैं, कोई दास्य रस से, कोई सत्य रस से, कोई बात्सल रस से, कोई माधुर्य गोपियों की भाव से। लेकिन ये वैकुंठ में जो रस है, यदि ये कौन सा रस है, बोले शांत रस है। शांत रस मतलब क्या हो गया, शांत रस उसको कहते हैं वहां पर अपनी आप कोई सेवा नहीं करते। जैसे फ्रेंच में बताए, जैसे गैया, कृष्ण जब गैया को मांग कर ले जाते हैं तो गैया चलते हैं, बंसुरी कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं तो भी बंसुरी बजती है। यहाँ पर भगवान उल्टा उनके लिए करना पड़ता है, भगवान के लिए नहीं करते, भगवान स्वयं उनके लिए करते हैं वो शांत रस है। लेकिन उसको ऊपर में दास्य रस है, दास्य रस है मतलब भगवान प्रभु और हम की दास है, हम उनकी सेवक है। इसलिए वैकुंठ में वहाँ सबके सब भगवान के सेवक है, वहाँ पर कोई उनकी माँ भी नहीं, भगवान की जन्म नहीं हुआ उनको कोई माँ भी नहीं, वहाँ पर कोई सखाई नहीं भगवान है, वहाँ सबके सब भगवान की दास, सबके सब भगवान की दास है। और कहते हैं वहाँ पर सत्यता थोड़ी सी भावना है, जैसे वहाँ पर जो लक्ष्मी है उनके अंदर में दासी भावना है, प्रभु मेरे प्रभु में भी सेविका, लेकिन होने पर भी उनके अंदर में थोड़ी सी सत्य भावना, जैसे पत्नी को साथ रखना भावना, पत्नी दासी भी बनती है, पत्नी सखी भी बनती है, सखा भावना है। जैसे सखा को साथ में हम जैसे हंसी मिलक करते हैं, पत्नी को साथ में भी हम भी ऐसे हंसे, वहाँ पर सत्य का वहाँ पर श्री गौरव प्रसिद्ध सत्य, मतलब जो सत्य है वो दास्य भावना युक्त है। इसलिए हम लोग जो भक्ति भावना को पाना चाह रहे हैं राधा कृष्ण की चरण की सेवा श्रृंगार से, इसलिए लता तो वहाँ तक पहुँचती हैं लेकिन वहाँ पर कोई आश्रय है, फिर वो उसको पार कर जाता है, पार करके कहाँ चला जाता है, अयोध्या चले जाता है। लेकिन अयोध्या में भी वहाँ पर तक है सत्य रस भी है, वहाँ पर दास्य रस भी है, बात्सल रस भी है, वहाँ पर मधुर रस भी है। लेकिन ये सबके सब जो गौरव युक्त, जैसे देखो भगवान राम है वहाँ पर अयोध्या में, सबके सब भगवान राम को अपना इष्ट मानते, भगवान राम हमारी प्रभु है, हम उसका सेवक सेवक है। इसलिए लेकिन वहाँ पर मानने पर भी कुछ सत्य जुड़ते हैं, जैसे विभीषण है भगवान की सखा, गोप चंडाल है ये भगवान की सखा है, वहाँ पर श्री सुग्रीव है ये भी भगवान की सखा। आप लोग समझ रहे थे, कोशिश करना कभी समझ रहे थे, ये बहुत अच्छी चीज है। पर हम लोग वो जो श्रृंगार रस में क्यों भक्ति करते हैं ये चीज की आपको समझना है। इसलिए कहते हैं वहां पर दिमाग से समझो, आप कोई बंद मत क्या दिमाग से समझा करो। इसलिए वहां पर कहते हैं वहां पर सबके सब दास्य भाव होने पर भी, जैसे वहां पर उनकी सखा लोग हैं ये तीनों,
लेकिन मने भर भी वो सत्य कैसे है कि उसका तेरे में गौरव, गौरव मतलब होता है पूज्य भाव। जैसे ब्रज में अगर कृष्ण कहीं कहीं आसन पर बैठे हुए कहीं पर मधुमंगल सीता माँ आ जाए तो सारे तो अगले बैठे और जो बगल में बैठ जाए जैसे सखा होता है ना, जैसे दो यार दोस्त होगा तो ना एक साथ में बैठ जाएंगे, एक साथ में भजन कर लेंगे, उनका झुंडा में बिठा लेंगे, एक प्लेट में खा लेंगे। लेकिन वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। भगवान राम का जब दरबार लगता है विभीषण को सुग्रीव को उन्होंने बराबर बराबर आसन देते हैं, बराबर आसन से देते हैं, लेकिन सुग्रीव जाकर के भगवान को आसन नहीं बैठ सकते। वहाँ पर विभीषण जाकर के सखा तो है, ये चीज अच्छा तरह सब सखा तो है, लेकिन भगवान के बगल पर नहीं बैठ सकता है। नहीं, सखा होने पर बिना भगवान को अपना प्रभु मानते हैं। इसलिए हैं, इसलिए जब जरूरत पड़ता है ना भगवान को भी डांट देते हैं। इसलिए जब लंका को माता सीता को उद्धार करने के लिए पहले तो भगवान बाली को बंद कर दिए, लेकिन सुग्रीव ने थोड़ी सी देर कर दी, लक्ष्मण जाकर वैसे धमका ही तो अभी भी उसी बाण और प्रभु की दूरी में है। भगवान तेरे को राज्य दे दिए और बैठ करके मेरी प्रभु बैठ करके दुखी हो रहे हैं और तू यहाँ पर स्त्रियों को लेकर नाच नच रहे हो और शराब पी करके नाच नच रहे हो यहाँ पर, मतलब वो गान अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी वही गान है। ऐसे धमकी लगाएगा सुग्रीव आकर के एकदम प्रभु के चरण में गिर करके माफी मांगने लगे। लेकिन ब्रज में कोई सखा माफी मांगेगा? ले तू किस चीज की बैठे हो? श्रीताम कहता है तेरे पिताजी का कितने गया है? 9 लाख। मेरे पिताजी का 11 लाख गया है। तेरे को मैं पछाड़ दे रहा हूँ खेलने, तेरे को मैं पछाड़ दे रहा हूँ। लेकिन वहां पर अयोध्या में सखा होने पर भी सखा होने पर भी गौरव नहीं है हमारे भगवान। वहां पर वात्सल रस है, माँ की भावना है, लेकिन भाई प्रकट क्या भाई प्रकट माता दीन दयाला और संज्ञा निर्मला। इसलिए भगवान जन्म लेने से पहले उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन किया है। फिर उन्होंने बोले प्रभु आपको तो मैं बालक रूप में प्रार्थना किया, फिर भगवान बालक बन जाते हैं, भगवान फिर बालक बन जाते हैं। कहते ये जो लता है ना, लेकिन हम जो मंत्र जप कर रहे हैं हरे कृष्णा बात गोपी जन बल्लभ, कहते ये बोलो तो वृंदावन की भाव है। इसलिए ये लता तो वहाँ पर गई लेकिन उसको कहीं आश्रय नहीं, क्योंकि उसको ऊपर की भाव हमारी फिर गया द्वारका में, लेकिन वहां पर भी आश्रय नहीं मिला। बोले क्यों नहीं आश्रय नहीं मिला? द्वारका में भी यद्यपि कृष्ण है, कृष्ण है द्वारका में, उनको 16,000 कटरानियां वहां पर है द्वारका में, लेकिन बने बने ही द्वारका में वो सब के सब भगवान को अपना प्रभु मानते हैं, कृष्ण को प्रभु मानते हैं। एक दिन कृष्ण थोड़ा ठिठोली कर दिया रुक्मिणी को साथ में, बोले कभी कभी गोपियों को साथ में ब्रज में ठिठोली करता था, एक दिन रुक्मिणी को साथ में ठिठोली करता हूँ। एक दिन रुक्मिणी को कृष्ण बहुत गंभीर हो गए, रुक्मिणी भगवान को चामर भजन कर रहे थे। कृष्ण ने कहा रुक्मिणी तेरी और मेरी जो जोड़ी है ना वो ठीक नहीं है। बोले क्यों? तो देख मैं कितने काला और तू देख कितने तू गोरी हो और मैं ग्वाला हूँ, इसलिए और तू भीष्म राजा की तुम राज दुलाली हो, उनकी तुम राज दुलाली और कितने तुम्हें सुंदरी हो तुम, इसलिए देख तेरे को बड़े बड़े राजा लोग तेरे को चाह रहे, शिशुपाल जैसे व्यक्ति। उसी समय रुक्मिणी सख्या लक्ष्मी की ना सारा दुनिया शादी करना चाह रहे थे उनके साथ में। क्यों? लक्ष्मी बड़ी सुंदर थी और मैं काले कलुटे काले कलुटे पे हूँ, खैर मैं कभी कभी द्वारका चले जाता हूँ, मथुरा चले जाता, मैंने गैया चलाया और मेरे को कौन कौन भक्ति करते हैं? बोले नाम किंचन बीताय, मेरे तो भक्त है ना बड़े दीनी भी हैं, जितने सुदामा दरिद्र हैं राम का भोग चंडा जितने देखना सब साधारण व्यक्ति मेरे को भक्ति करते हैं और तेरे को बड़े बड़े राजा लोग तेरे को चाहते हैं। तुमने जो काम की मेरे से शादी कर गलती करी है, गलती तुमने करी, अभी भी अगर तू चाहोगे ना अभी भी तू जिसको चाहोगे तेरे को मैं देकर दूंगा पहुंचा जा सकता। बस कृष्ण थोड़ी सी ठिठोली की और रुक्मिणी तो भगवान को चामर व्यक्त कर रहे
और इसको सुन करके रुक्मिणी इतने डर गई, इतने डर गई रुक्मिणी, अपने आप उसको हाथ से चमर पकड़ा और उसने कांपने लग गई जैसे अभी अभी बेहोश प्राण छोड़ दी, और करते 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 क्या मुझसे प्रॉब्लम लेकर याद कर रही थी, इतने वो फिर भी जा रहे थे बेहोश होने, इतने भगवान उनको गोद में पकड़ लिए। बोले रुक्मिणी इसको तुमने सच नाम दिया कैसे, मैं तो ब्रज में गोपियों को अगर एक बात सुना दो ना, एक बात सुना दो ना, उसमें तो 10 बात सुना देते, 10 बात सुना देते अगर मैं कभी कभी लंपट। इसलिए गोपियां तो कृष्ण को पता नहीं क्या गालियां देते थे, लंपट चोर दुर्ग, इसलिए काले, इसलिए कहते मैं उनको क्या पंजे से निकालता हूँ। राधा रानी जब मान कर लेती थी बोलती आज कोई काले चीज में देखना नहीं चाहती, ये जो भ्रूर काली है ना उसमें चंदन लगा कर इसको भी सफेद बना दो, और जो चोटी काली कहते हैं फूलों की माला से उसको भी सफेद कर दो, जितने भोरा काले मेरे सामने कोई काले भी नहीं आने चाहिए, जितने काले सब धुल दो। कृष्ण को भी यहाँ पर कृष्ण को भी राधा रानी कहते हैं यहाँ से निकाल देती है। जब कभी राधा रानी से मिलने के लिए कृष्ण उनकी सखियों को चरण में हाहा खाते हुए उनकी सखियों की चरण में प्रार्थना करते हैं, इसलिए कहते हैं द्वारका में जो भावना है वहां पर गौरव भावना और वहां पर दास्य रस मिला हुआ है, इसलिए वहां पर उनकी पत्नी होने पर भी उनकी बच्चे है, वहां पर है बच्चे, लेकिन कृष्ण को सबके सब भगवान मानते हैं, सबके सब वहां पर सब जितने भगवान की भक्त है, इसलिए वो लता तो गई लेकिन वहीं पर रुके उसका आश्रय है, पर उसको ऊपर भी गए बोले कहाँ पर, बोले उसको मथुरा में गए, मथुरा में भी यद्यपि वहाँ पर सबके सब भगवान की लेकिन सबके सब वहाँ पर भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, इसलिए वो लता बढ़ते 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 कहाँ तक गई, सीधा चली गई गोलोक वृंदावन, और वृंदावन में राधा कृष्ण सुंदर कल्पवृक्ष के नीचे खड़े हैं, वो लता जाकर के भगवान के चरण को उन्हें आश्रय ग्रहण, आश्रय ग्रहण का मतलब हम लोग जो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग जो ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, जो गोपाल मंत्र की उपासना करते हैं, उसमें गोपियों की भावना है, उसमें शुद्ध ब्रज भक्ति उसकी अंदर है, इसलिए वो लता कहाँ गई बोलो तो वृंदावन में जाकर ठाकुर का चरण उन्होंने आश्रय ग्रहण किया, और आश्रय ग्रहण करते हुए और उसमें सुंदर सुंदर फल फला, क्या फलवा बड़े सुंदर सुंदर उसमें फल फला, और ऐसे फल है ना जिसमें कोई गुठली भी नहीं, जिसमें कोई छिलका भी नहीं, जिसमें केवल रसी जैसे, और बोले भैया उसको खूब पियो, रस को खूब पान करो, फिर तो साधक बैठा तो यहीं पर है, लेकिन उसकी लता भावना बढ़ते 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 बोलो तो वृंदावन में चला गया, लेकिन वो यहीं पर बैठ बैठ उसको पानी दे, पानी तो यहीं दे रहा है, पानी मतलब क्या, पानी मतलब अपना भाव से भगवान की कीर्तन भगवान की भक्ति भगवान की भजन साधना तो यहीं पर कर रहा है, उसी ब्रज में आप से कर रहा है, लेकिन भावना कहाँ तक पहुँच गई, ये भावना गोलोक वृंदावन तक की भावना पहुँच गई, और लेकिन यहीं पर बैठ करके भगवान के नाम जप करता है, ठाकुर का कीर्तन करता है, ठाकुर उसके भजन करते करते यहीं पर रसास्वादन करता है, यहीं पर प्रभु की लीला रस में एकदम डूब जाती है, डूब जाती है, डूब करके फिर भगवान की प्रेम प्रेम फल को आस्वादन करते हैं। प्रेम फल क्या है, तो प्रेम फल मतलब है राधा जी की आनुगत्य में गुरुदेव कहते थे उसमें भी 5 शाखाएं, मतलब 4 शाखा को काट दो केवल एक ही शाखा रह जाएगी, 5 श्रेणियां शाखा मतलब सांत को दास्य सखे वात्सल्य मधुर, प्लस 4 को बात दे दो, सांत को दास्य सख्य वात्सल्य को बात दे दो, केवल एक ही टहनिया रह जाएगी जिसमें केवल माधुर्य भाव है, गोपियां जैसे भक्ति की उसमें भी 3 ही शाखा है, कहते हैं सुपक्ष विपक्ष और एक तटस्थ है,
फिर उसमें जो तटस्थ और जो विपक्ष है उनको निकाल दो, रह जाए कि केवल स्वपक्ष। स्वपक्ष का मतलब हम लोग से राधा रानी की गुरु जी की आनुगत्य में, गुरु जी की आनुगत्य में राधा रानी की चरण को आश्रय ग्रहण करते हुए अस्त जुगल सरकार की सेवा करना है, श्री जुगल की हमें सेवा करना। इसलिए वो बैठते बैठते जाकर के भूखों को पहुँचता है, पास बैठ बैठते ठाकुर जी के प्रेम रस को आस्वाद करते हैं। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। फिर कल हम लोग सुनेंगे आस्वाद तक करेंगे, लेकिन उसमें बड़े उपद्रव थे। भक्ति करते करते याद ना बोले भक्ति मार देती है हमको, टिकट में तो निकल आप कोई उल्टा उल्टा रास्ता में जाओ कोई बात आप नहीं, लेकिन प्रभु की भक्ति करने के लिए जाओ हजार बात है, हजार बात है उसके अंदर में बड़ी बड़ी। और मैं ये तो ऊपर का बात है, फिर अंदर का बात है भी बहुत कुछ है। स्वर्ग की इच्छा, भक्त की इच्छा, संसार की इच्छा, ये दुनियादारी की इच्छा अगर ये रहेगा तो है तो वो लता फिर बढ़ेगी, फिर भक्ति लता नहीं बढ़ेगी। अगर दुनियादारी की अगर भोग वासना रहेगी फिर वो लता वही भक्ति लगेगी। इसलिए फिर उस सारी चीज को छानना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, एकदम प्योर रूप में केवल हमें और कुछ नहीं चाहिए। श्री राधा जुगल सरकार की चरण की हमें केवल सेवा चाहिए, निष्काम रूप में व्यर्थ करा करके लता बढ़ेगी। अगर कोई कामना वासना आ जाएगी ना और वहीं पर फंस जाएंगे फिर उसमें चक्कर काटते रहो, चौड़ा से लगते जमीन उसमें चक्कर काटते रहो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरु चरण प्रताप ते पायो विपिन को वास, बरनो राधे विपुल गुण रसिकन हिये प्रकाश। राधे श्री राधे रटु निस्विन I'm
Oh,
I'm gonna go get some more.